नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिप्ला कंपनी के मैक्स रे सीरप से रिलेटेड, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके वहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए सीरप यूज़ की जाती है, ऐसे जो हर जानकारी आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं सिप्ला कंपनी की जो मैक्स रे सीरप है किस लिए बनाई है, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये देखा जाए तो एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो कि प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपके दोस्तों जो है मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वीक है, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, लाइक आपका जो है बात करो एक एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है और आपको जो है फर्टिक रहती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, लाइक आपके जो है बोन्स को भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करती है, बोन्स के लिए भी अच्छी है, स्किन के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव ये सीरप है, और जो कि दोस्तों कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करती है। और अगर आपको दोस्तों मैं बात करूँ जैसे कि एक जिंक की कमी आपकी बॉडी में हो गई है, कॉपर की कमी देखी जा रही है, सेलेनियम की कमी देखी जा रही है, आयोडीन की कमी देखी जा रही है, लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है और अमीनो एसिड की कमी हो गई है, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो कि दोस्तों ये देखा जाए तो आपके जो बॉडी में मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करती है। जो कि मैं बात करूँ इसके अगर MRP की तो आती है दोस्तों 124 की, जो कि 24 रुपये की आती है, जो कि 200 ml में। गाइस सिरप देखा जाता है रिच एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपेनी एल लाइसिन के साथ आती है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। अगर आपका दोस्तों मैं बात करूँ बाउंड हील नहीं हो पा रहे, आपके जो घाव भर नहीं पा रहे हैं, या फिर दोस्तों आपके जॉइंट पेन देखा जा रहा है, हड्डियों में दर्द बना रहता है, साथ ही आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, प्रोटीन कमी देखी जाती है, तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और आपके नज़दीकी जो एलोपैथिक फार्मेसीज है वहाँ से आप इसे इजीली ले सकते हैं। और जो कि दोस्तों दो फ्लेवर में आती है, एक तो आती है दोस्तों ऑरेंज फ्लेवर में, एक आती है मैंगो फ्लेवर में। आज इस सीरप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पेशेंट में सिम्टम्स हो गए हैं, तो इसमें गैस क्या करें, पहले बोतल को शेक कर लें, अगर एडल्ट तो एडल्ट इसकी जो है 1 से 2 चम्मच लें सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम है तो उनके लिए तो 1 स्पून यूज़ करें, लेकिन दोस्तों उनकी 12 साल से ऊपर एज होनी चाहिए तभी आपको देना है, जो कि खाने के बाद उनको भी दे सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए यूज़ कीजिए और जैसे ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है भी इसको अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों मैंने कि आप सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। इस वीडियो को हम यहीं पे ऐड करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।